नमस्कार, मैं सोनाली सैनी और आप देख रहे हैं संचार। जेसी वॉस YMCA विश्वविद्यालय के संचार एवं मीडिया तकनीकी विभाग ने आज़ादी अमृत महोत्सव के अंतर्गत राष्ट्रीय नायकों को नमन श्रृंखला शुरू की है, जिसमें आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत के बारे में जानकारी देंगे जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, जिन्होंने आज़ादी की खातिर अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, लेकिन इनकी शहादत गुमनाम रही। उन्हीं में से एक है तारा रानी श्रीवास्तव। भारत पर 200 सालों तक ब्रिटिश हुकूमत ने राज किया। भारत के लोगों को अंग्रेजों से आज़ाद कराने में भारत की महिला स्वतंत्रता सेनानियों की भी उतनी ही भूमिका थी जितना कि यहाँ के पुरुषों की, चाहे वे रानी लक्ष्मीबाई हो, सरोजनी नायडू हो या फिर झलकारी बाई, सभी ने क्रूर अंग्रेजों के सामने ना झुककर अपनी बहादुरी का परिचय दिया। लेकिन फिर भी आज़ादी की लड़ाई में शामिल कुछ ऐसी महिलाएं, इनकी शहादत गुमनाम रही। आज़ादी के बाद उनके योगदान और नाम को भुला दिया गया। उन्हीं में से एक हैं तारा रानी श्रीवास्तव। वह कोई बहुत पढ़ी लिखी, डिग्रीधारी और बहुत उच्च तबके की औरत नहीं थी, बल्कि इसी समाज के एक हाशिए से संबंध रखने वाली आम महिला थी। तारा रानी का जन्म बिहार की राजधानी पटना के नज़दीक सारण जिले में हुआ था। उनकी शादी कम उम्र में ही फुलेंदु बाबू से हो गई थी। फुलेंदु बाबू स्वतंत्रता सेनानी थे। अपने पति की तरह ही तारा रानी के हृदय में भी अपार देश प्रेम था। देश को आज़ादी दिलाने के लिए वह हर कदम पर उनके साथ रहती थी। जिस समय औरतों को चार दीवारी के भीतर रहकर अपने जीवन बिताने को सिखाया जाता था, वह गांव-गांव जाकर औरतों को आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लेने को प्रेरित करती थी। जब अंग्रेजों की गुलामी और उनका अत्याचार भारत के लोगों द्वारा असहनीय हो चुका था, तब 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का आगाज किया। इस आंदोलन का एक ही उद्देश्य था, करो या मरो। महिलाओं ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। उस समय तारा रानी के पति फुलेंदु बाबू भी सिवान थाने पर भारत का तिरंगा लहराने के लिए चल दिए, ताकि अंग्रेजों की अवज्ञा कर सके और उन्हें भारत के एक होने का चेतावनी दे सके। उनके साथ पूरा जनसैलाब था। तारा रानी इन सभी का नेतृत्व कर रही थी। तारा रानी अपने पति के साथ सभी को लेकर आगे बढ़ रही थी। पुलिस ने इस विरोध को रोकने के लिए अपनी जी जान लगा दी। जब पुलिस की धमकियों से भी जनसैलाब नहीं रुका, तब पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया, लेकिन उनके डंडे भी प्रदर्शनकारियों के हौसले को तोड़ने में नाकामयाब रहे। तब अंग्रेज पुलिस ने गोलियां चलाना प्रारंभ कर दिया। इस बीच तारा रानी के पति फुलेंदु बाबू भी पुलिस की गोली लगने से घायल हो गए। 12 अगस्त 1942 का वह दिन तारा रानी के लिए सबसे दर्दनाक दिन था। वह अपने पति के पास गईं और उनके घाव पर साड़ी से एक टुकड़ा फाड़कर पट्टी बांधी। एक नवविवाहित स्त्री अपने पति को यूं खून से लथपथ देखकर कितना तड़पी होंगी, ये सोचकर भी रूह कांप जाती है। फिर जो उन्होंने किया वह कोई आम स्त्री नहीं कर सकती थी। वह वहीं से फिर वापस मुड़ी और पुलिस स्टेशन की तरफ चल पड़ी। 15 अगस्त 1942 को छपरा में उनके पति के देश के लिए कुर्बानी के सम्मान में प्रार्थना रखी गई थी। उस सभा में भी उन्होंने अपने मजबूत हृदय का परिचय दिया और लोगों का साहस बढ़ाया। हमारा ये पुरुष प्रधान समाज कहता है कि एक औरत अपने पति के पीछे ही चलती है। वह तभी तक मजबूत रह सकती है जब तक उसका पति उससे हिम्मत देगा, पर तारा रानी श्रीवास्तव ने इस कथन को पूरी तरह गलत साबित किया है। अपने पति को खोने के बाद भी तारा आज़ादी के विभाजन के दिन 15 अगस्त 1947 तक महात्मा गांधी जी के आंदोलन का अहम हिस्सा रहीं। अपने पति की शहादत को उन्होंने व्यर्थ नहीं होने दिया। अपने देश को स्वतंत्रता दिलाने के सपने को उन्होंने पूरा किया। आज ऐसी वीरांगना को हम सादर नमन करते हैं। जल्द फिर एक ऐसे ही राष्ट्र नायक के बारे में जानकारी देने के लिए हम आपके साथ जुड़ेंगे। जय हिंद।